नमस्कार, स्वागत सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और सिलसिला बाजारों का मैं एक बार फिर से आ गया हूं आपके लिए कमोडिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मनी तेजी बनती हुई नजर आ रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ से एग्री कमोडिटीज की। जान लेते हैं रूपा जी से कि आज एग्री कमोडिटीज का बाजार कैसा देखने को मिलेगा। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे कैसे सीड से। रूपा जी, देख रहे हैं कि ऐसे सीड का नवंबर वायदा 6456 पर कारोबार कर रहा है और 6600 का हाई लगा चुका है, 1.25% की तेजी है। रूपा जी, आपका जो टारगेट था 6500 का, आपने आखिरी बार आपसे जब बात हुई थी कैसे सीड के रिगार्डिंग, तो आपने बताया था कि कैसे सीड की कीमतें ऊपर में 6500 का लेवल टच करती हुई नजर आ सकती हैं। आज देख रहे हैं कि 6600 का हाई लग चुका है, आपका 6500 का लेवल आज अचीव हो चुका है। रूपा जी, यहाँ से आपको क्या लगता है कि यहाँ से कैसे सीड सस्टेन हो पाएगा इन कीमतों के ऊपर, और क्या कैस्टर में और तेजी देखने को मिल पाएगी? अखिलेश, देखिए तेजी तो इस कमोडिटी में है जी, लेकिन जो ये तेजी आ रही है वो रुक रुक कर देखने को मिल रही थी। अब जो आज हमने देखा 6600 के ऊपर मार्केट निकला है नवंबर वायदा, जो कि हम 6500 का टारगेट लेकर चल रहे थे, अभी 6600 के ऊपर निकल चुका है। अब यहाँ से आप मान के चलिए कि अगर ये 6500 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको कोई बड़ी बात नहीं, 6800 से लेकर 7000 का भी स्तर दिखा दे, क्योंकि अच्छी खासी तेजी फिलहाल इसमें इस सेक्टर के अंदर बनती हुई दिखाई दे रही है। निर्यात मांग अच्छे खासे हैं, अभी जो है फेस्टिवल सीजन के चलते डिमांड और पिकअप होती हुई दिखाई दे सकती है, तो मुझे लगता है कि इसमें तेजी बनी रह सकती है। थोड़ा बहुत डिप भी एक्सपेक्टेड है, 6200 तक नीचे लुढ़क भी सकता है। 6200 से लेकर ऊपर में 6500 के बीच फिलहाल ये रेंज है, 6500 के ऊपर निकलता है तो आप 6800 से लेकर 7000 का टारगेट इसमें मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं जी। तो यानी कि अगर यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी, यहाँ पे अगर कैसे सीड का वायदा बाजार सस्टेनेबिलिटी दिखा देता है और 6600 के ऊपर के भी लेवल्स देखने को मिलते हैं, क्लोजिंग आ जाती है, तो 6800 से लेकर 7000 तक के भी लेवल्स रूपा जी के अनुसार कैसे सीड की कीमतों में नवंबर वायदा में देखने को मिल सकते हैं। ये रूपा जी, बात करें अगर बिनौला खल की, तो देख रहे हैं दिसंबर वायदा 2431 पर कारोबार कर रहा है, आज कुछ रिकवरी बनती भी नजर आई है कल के मुकाबले। रूपा जी, आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल के अंदर इन लेवल से खरीदारी निकल के सामने आ सकती है, और क्या बिनौला खल रिकवरी के बाद 2600-2700 पर फिर से जाता हुआ नजर आ सकता है? देखिए अखिलेश, बिल्कुल मुझे एक्सपेक्टेड है कि ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, अभी फिलहाल रेंज में है और ये रेंज बनी हुई है 2400 से लेकर 2500 2500 के बीच में। अब देखिए 2400 के नीचे भी लुढ़कता है तो थोड़ा बहुत गिरावट जो है वो बढ़ सकती है 2380-2360 तक, लेकिन मुझे लगता है कि उन लेवल्स के ऊपर काफी अट्रेक्टिव लेवल्स है बाय के लिए, आपको बाय करके चलना चाहिए। आप कॉटन में देखिए, कॉटन में लगातार तेजी है, वायदा के अंदर कॉटन जबरदस्त उछाल दिखाता हुआ नजर आ रहा है, और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर फिजिकल बाजारों में भी देखें तो कॉटन में एक अच्छा खासा प्राइसेस जो है वो अब किसानों को देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि इसका आउटलुक काफी पॉजिटिव है, आगे तेजी बनी रह सकती है। फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, निचले स्तरों पर खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करें, मार्केट और नीचे आता है तो वहां पर आप बाइंग करके चल सकते हैं जी। तो यानी कि बिनौला खल में अभी कुछ लेवल्स और निचले स्तर आने का वेट कर सकते हैं, जिससे कि निचले स्तर पर खरीदारी की जा सके और बिनौला खल में एक बार फिर से 2600 तक के भी लेवल्स देखने को मिल पाएंगे और अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। यहीं से रूपा जी, देख रहे हैं मसालों का बाजार भी आज ठीक ठाक कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, धनिया एक बार फिर से 8000 के पार जाता हुआ नजर आया है और जीरा भी देख रहे हैं 14600 के पार ऊपर है, लेकिन हल्दी के अंदर कुछ सुस्ती है। रूपा जी, देख रहे हैं कि जीरा और धनिया मसालों में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, हल्की फुल्की कुछ नरमी एक दो ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली थी, लेकिन जीरा काफी ज्यादा सस्टेनेबिलिटी देखने को जीरे के अंदर ज्यादा मिल रही है। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से जीरे के अंदर धीरे धीरे तेजी बनती हुई नजर आ रही है, क्या जीरा एक बार फिर 15000 के पार जाता हुआ नजर आ पाएगा? देखिए अखिलेश, मसालों के अंदर फंडामेंटल बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है क्योंकि एक्सपोर्ट्स काफी कम है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट के अंदर फेस्टिवल सीजन की एक डिमांड पिकअप होने की उम्मीद है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत बाजारों में सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है, उसके चलते हो सकता है आपको जीरा 15000 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, लेकिन बहुत ज्यादा सस्टेनेबिलिटी नहीं है। और वहीं अगर धनिया और हल्दी की बात करें तो वो भी एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, और मुझे लगता है कि इसी रेंज में घूमता हुआ फिलहाल बाजार दिखाई दे सकता है। 200-300 रुपए की तेजी बन जाए तो धनिया के अंदर बन सकती है और हल्दी भी ऊपर जा सकती है, लेकिन जीरा बहुत ज्यादा मुझे पॉजिटिव नहीं लगता है। हल्दी की बात करें तो हल्दी 7500 तक एक बार ऊपर खींच सकती है फेस्टिवल सीजन की मांग के चलते, और वहीं धनिया की बात करें तो ऊपर में 8300-8500 तक धनिया भी ऊपर जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा बहुत ज्यादा सस्टेनेबिलिटी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, वो भी तिहारी सीजन की मांग निकलने के चलते एक तेजी बन सकती है जी।
यहाँ से रुपा जी अगर नजर डालें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की ओर तो देख रहे हैं ग्वार गम का नवंबर वायदा 11,800 पर है 3.5% की तेजी के साथ, और ग्वार सीड का नवंबर वायदा 6,466 पर 2.5% की तेजी के साथ। रुपा जी देख रहे हैं ग्वार गम एक बार फिर से उछलता हुआ नजर आया है और 12,000 का जो आपने टारगेट दिया था उससे सिर्फ 200 पॉइंट की दूरी पर है। अब आपको यहां से क्या लगता है, क्या ग्वार गम आज 12,000 का लेवल दिखला पाएगा या फिर इस कारोबारी सप्ताह में ये लेवल अचीव हो पाएगा आपने जो ग्वार गम और ग्वार सीड के दिए थे? देखिए बिल्कुल अखिलेश, एक्सपेक्टेड है कि ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं ग्वार गम और ग्वार सीड में। जैसे कि मैंने बताया कि 12,000 का स्तर बिल्कुल पॉसिबल है आपको अभी कल के ट्रेडिंग सेशन में या आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाए, और सीड भी 6,500 तक ऊपर जा सकती है। इसके बाद भी बाजारों के अंदर लगातार तेजी रह सकती है, हो सकता है अगले हफ्ते के शुरुआती दौर में आपको थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। और 12,000 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है तो आप मान के चलिए ग्वार में कोई बड़ी बात नहीं, 13,000 से 15,000 का भी स्तर आता हुआ हमें दिखाई दे, लेकिन सस्टेनेबिलिटी आनी चाहिए मार्केट के अंदर इन लेवल्स के ऊपर। क्योंकि देखिए जैसे ही 12,000 से 12,500 के ऊपर मार्केट निकलेगा एक ह्यूज बाइंग हमें फिजिकल मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि एक बार फिर से ट्रेडर जो है वो एक्टिव हो सकते हैं और उसके चलते कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। फंडामेंटल जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इस बार प्रोडक्शन कम है, काफी क्रॉप डैमेज है, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इस बार प्रोडक्शन काफी कम हुआ है किसानों ने, क्योंकि प्राइजेस काफी अरसे से हमने देखा कि किसानों को उचित प्राइस नहीं मिले तो इसलिए उन्होंने इसकी सोइंग काफी कम की है, तो इसका भी एक असर जो है देखने को मिल सकता है। अब जो कीमतें उठती हुई नजर आ रही हैं इस तेजी के अंदर, मुझे लगता है कि ग्वार गम जो है वो 15,000 का स्तर भी छू सकती है, और वहीं अगर सीड की बात करें तो वो 7,000 तक जा सकती है। जी, तो यानी कि जिस हिसाब से अभी फंडामेंटल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं ग्वार गम और ग्वार सीड के, उसके हिसाब से तो अभी हाल फिलहाल में यही लग रहा है कि जो कीमतें हैं वो अभी ऊपर में और ज्यादा तेज देखने को मिल सकती है। हालांकि वायदा बाजारों में ऊंची कीमतों पर मुनाफा वसूली भी बननी आनी तय ही है, करेक्शन जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन उस करेक्शन पे भी निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। और रूपा जी के अनुसार ग्वार गम में 15,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और ग्वार सीड के अंदर 7,000 तक के, जो कि काफी अच्छे खासे लेवल्स हैं। और जब वायदा बाजार के अंदर ये लेवल्स देखने को मिलेंगे तो हाजिर बाजारों के भी अंदर एक खरीदारी निकल के सामने आएगी। इससे रूपा जी बात करें अगर खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों में देख रहे हैं कि रिफाइंड सोया तेल में और सोयाबीन में अब कुछ खरीदारी निकली है वायदा के अंदर, आपको क्या लगता है क्या रिफाइंड सोया तेल में जिस हिसाब से भी 1280 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं तो क्या 1300 के भी ऊपर के देखने को मिल सकते हैं? अखिलेश देखिए खाद्य तेलों में अब तेजी नहीं है, सरसों भी एक्सपायर हो चुकी है, उसका अगला वायदा पर सरकार ने फिलहाल रोक लगा रखी है, तो अभी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे हिसाब से एडिबल ऑयल पैक में अभी फिलहाल खरीदारी नहीं करनी चाहिए। जी, ये सर ऊपर जी बात करें अगर मेंथा की, तो मेंथा में हमने काफी समय से देखा है कि जो एक ग्राहकी होती है, कस्टमर डिमांड होती है, वो नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि वायदा की बात करें तो वायदा में भी हमने कुछ दिनों से यही रुझान देखा था एक नरमी वाला, लेकिन अब देख रहे हैं कि लो लेवल बाइंग निकल के सामने आई है। अब आपको क्या लगता है मेंथा का बाजार कैसा देखने को मिल पाएगा यहाँ से? देखिए अभी फिलहाल जो है इन स्तरों की अगर हम बात करें तो इन स्तरों पर छुटमुट खरीदारी आ सकती है, क्योंकि गिरावट के बाद एक शॉर्ट कवरिंग जो है वो देखने को मिल सकती है, उसके चलते एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि एक पॉजिटिव जो है वो खरीदारी बनती हुई दिखाई दे सकती है और बाजारों को थोड़ा बहुत ऊपर ले जा सकती है। लेकिन बहुत ज्यादा फिलहाल तेजी की तरफ मार्केट नहीं है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि प्रेशर है इस कॉमोडिटी के अंदर, और अभी भी मुझे लगता है कि छुटमुट खरीदारी की तरफ रहा जा सकता है। जी, इसी रूपा जी बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में आपको क्या लग रहा है? हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से कॉटन के जो हायर एक्सपोर्ट्स अब देखने को मिल रहे हैं हाल फिलहाल में, उससे अब जो कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसका, उसने जो एस्टीमेट लगाया था अपने पिछले सीजन की कॉटन का, अब वो घटाकर 353 लाख बेल का कर दिया है। आपको क्या लगता है अब जिस हिसाब से स्टॉक कम है और हायर एक्सपोर्ट है, निर्यात मांग ज़्यादा है, और घरेलू में भी जो खपत है, जो डिमांड है घरेलू की, वो भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है, ऐसे में कॉटन की कीमतों में अभी और कितनी तेजी देखने को मिल पाएगी? अखिलेश देखिए MCX पर कॉटन अपने लाइफ टाइम हाई पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, 30,800 के पार निकल चुका है, और जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी सपोर्टिव हैं। जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही हैं, प्रोडक्शन के एस्टिमेट घटाए जा रहे हैं और क्रॉप भी काफी जगह पर डैमेज होती दिखाई दे रही है,
तो ये सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से इसके अंदर फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है और मुझे लगता है कि अभी प्राइसेस के अंदर और बूस्ट आ सकता है। अगर मंडियों की बात करें तो मंडियों में हमने 9000 रुपए प्रति क्विंटल पर भी बिकता हुआ माल देखा है, कुछ एक जो अच्छी क्वालिटी की कॉटन थी उसमें ये प्राइसेस देखने को मिले हैं। तो मुझे लगता है कि अभी और तेजी बन सकती है। वायदा की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है 31,500 से 32,000 के पार जो है कॉटन जा सकती है और फिजिकल मार्केट के अंदर भी 200 से 250 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी और बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, तो यानी कि जिस हिसाब से कॉटन के फंडामेंटल्स बन रहे हैं और एमसीएक्स पर जैसे कि रूपा जी ने हमें अभी बताया कि कॉटन अपने लाइफ टाइम हाई पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है, तो उसके हिसाब से अभी तो यही लग रहा है कि कॉटन की कीमतों में अभी और तेजी बनती रहेगी, क्योंकि जो गवर्न बॉडीज हैं कॉटन की उन्होंने भी अपना एस्टिमेट घटा दिया है, क्योंकि निर्यात मांग ज्यादा है, घरेलू डिमांड भी ज्यादा है और दूसरा जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम है, जिसकी वजह से स्टॉक कम देखने को मिल रहा है और जो प्रोडक्शन का अनुमान जो एस्टिमेट लगाया गया था वो भी अब घटा दिया गया है। 354 था पहले, अब 353 लाख बेल का कर दिया गया है। पहले 354.5 लाख बेल का था अनुमान CAI का, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, जो कि अब घटाकर 353 लाख बेल का कर दिया गया है। रूपा जी, आपसे एग्री कमोडिटीज के टॉपिक्स जानना चाहेंगे जिनके अंदर बेहतरीन मुनाफा कमा के चला जा सकता है। देखिए अखिलेश, मुझे लगता है कि कैस्टर और ग्वार इन दोनों ही कमोडिटीज के अंदर बाय करके चला जा सकता है, ये दोनों ही कमोडिटी अच्छा मुनाफा देती हुई दिखाई दे सकती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि ग्वार और कैसे सीड ये दो कमोडिटीज ऐसी हैं जिनके अंदर आज खरीदारी में रहा जा सकता है और अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। तो आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो हमारे YouTube चैनल मार्केट टाइम सेव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके कुछ सवाल हैं या फिर अगर आप किसी कम्युनिटी के ऊपर न्यूज़ चाह रहे हैं तो आप अपने जो कमेंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स का जवाब देने की और आपके उन कम्युनिटीज़ पर खबरें लाने की। फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट टाइम सीरीज पर।